इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और आशीष शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सीमरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट वार्ता की। भाजपा में शामिल होने के बाद सभी उनका आशीर्वाद लेने आए थे। हाँ जी बिल्कुल, आज हम समीरपुर पहुँचे हैं और आज हमारी मुलाकात जो है हमारे आदरणीय धूमल जी से हुई है और हम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए और आशीर्वाद लेने आए थे। और आप जानते हैं कि अभी हमने बड़े थोड़े दिन पहले ही भाजपा पार्टी ज्वाइन की है और हमने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो अगली रणनीति जो बनानी है लोकसभा की, उस बारे में चर्चा भी करनी थी, कार्यक्रम भी लेने थे देहरा के लिए, तो वो सारी वार्ता जो है आज हुई है कि अगला कार्यक्रम देहरा में कैसे होगा लोकसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे हमने अगली रणनीति बनानी है, उस बारे में आज सारी बातचीत हुई है। सर इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया? तो कोई बात नहीं, आज भी MLA हैं, फिर हो जाएगा। अब सरकार है कि इस्तीफ़ा इसीलिए वो मंजूर नहीं कर रही है, इस वक्त अशमंज में है सरकार, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने कल भी आंदोलन किया और जिस तरह एक डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस प्रत्यक्ष सामने नज़र आया कि हम अपने आप अपने स्वेच्छा से हमने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद भी जो है स्पीकर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका दुरुपयोग हुआ और उन्होंने हमारा इस्तीफ़ा आज दिन तक मंजूर नहीं किया।
और उसके अलावा हमें एक नोटिस दिया गया कि आप ये बताएं कि आप पे कोई दबाव था या आपके ऊपर कोई ऐसा कोई दूसरा कोई कारण था कि आप इस्तीफ़ा क्यों दे रहे। तो हमने कहा कि हमने अपने इच्छा से दिया क्योंकि सरकार विफल है और हम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है हमने उनके इलेक्शन और केंद्र सरकार की मदद करनी है और हमने उनका कार्य करना है और उनको मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, अपने इलाके को मजबूत करना है। सर, खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं निर्दलीय विधायकों पर। अब ऐसा है कि जो खुद इन बिजनेसमैन हो उस पर ये क्या आरोप लगाएंगे, जब इनकी बस नहीं चल रहा है तो ये ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनमें इतना दम है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते, इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कराते, दम है तो आए मैदान में लड़े इलेक्शन, अपने आप इनको पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है, इनकी क्या इनकी बुकत है। तो इनको बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि ये बोलने क्या बोल रहे हैं। सर, अब विधानसभा क्षेत्रों में बगावत की बातें भी सामने आ रही हैं, सर इस तरह से देखते हैं? सर ऐसा कोई भी नहीं है बगावत, हमारा क्षेत्र जो है ये बिल्कुल क्लियर क्षेत्र है, यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई बगावत नहीं है। छोटी सी नाराज़गी होती है वो दूर हो जाती है जब बैठक होती है। अब हम बैठ रहे हैं, मंडल में भी बैठ रहे हैं, सभी अधिकारियों का कार्यकालनी जो है भाजपा की उनसे मिल रहे हैं सभी से और सभी साथ दे रहे हैं। जैसे आज भी हम अभी कार्यक्रम करके आए हैं हरिपुर, तो हमने भाजपा की कार्यकालनी के जितने भी वहाँ के थे मंडल के पदाधिकारी सभी को बुलाया और सभी आए। तो ये थोड़ा समय का होता है पर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अभी आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, क्या आगे स्टेप होगा? अगला